नमस्कार मेरे प्यारे रूड़की वासियों, मैं संदीप तोमर। दोस्तों, आज अपने रूटीन जो समाचार का कार्यक्रम है उसे न करते हुए मैं आपको अभी जो समय हुआ है, दोपहर के 12:30 बजे हैं, अभी तक की कवरेज दे रहा हूँ। क्या क्या गतिविधियाँ आपके रूड़की शहर में हुई हैं, क्या क्या मामले हुए हैं, वह आपको बता दे रहा हूँ। चूँकि कहीं ना कहीं आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके शहर में चीनी वायरस कोरोना को लेकर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या क्या प्रशासन की ओर से हो रहा है, क्या क्या आम जनता कर रही है, कितना जनता सबक ले रही है, सब चीज़ें जानिए। सबसे पहली बात, पनियाला गांव नज़दीक में पड़ता है, ये अपने जो है रुड़की रेलवे स्टेशन से कुछ आगे झबरेड़ा विधानसभा का हिस्सा है। वहाँ से पहले तो एक गलत बात यह हुई कि मुफ्ती जावेद नामक एक शख्स जो है मुफ्ती जावेद, वह इस कोरोना अवधि पीरियड में ही जमात में चले गए। उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। दूसरी गलती है कि वह जब वहाँ दूसरे राज्य में राजस्थान जहाँ वह गए थे, वहाँ जब पुलिस की सख्ती हुई तो वह जमात से किसी तरह निकले, चले आए मुजफ्फरनगर चले आए। तीसरी गलती यह हुई कि वह मुजफ्फरनगर थे तो वहीं बने रहते, यहाँ से पनियाला गांव से कुछ लोग निकले और उन जावेद साहब को, मुफ्ती जावेद साहब को, वह किसी तरह सुबह मुजफ्फरनगर से ले आए और 8:30-9:30 बजे के लगभग वह पनियाला गाँव से 1.5-2 किलोमीटर पहले मदरसे के सामने की ओर हाईवे पर लेकर उन्हें खड़े हो गए। उनका कहना यह था कि इन्हें हम गांव में नहीं ले जा रहे हैं। यह भी उन्होंने, चलिए एक काम उन्होंने अच्छा किया कि वह गांव में नहीं ले गए, उन्होंने प्रधान को सूचना दी और फिर किसी जरिए से मेरे पास भी सूचना आई। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसकी एक लापरवाही रही कि वह समय से नहीं पहुंची, उन्हें समय से पहुंचकर उन्हें अपने कब्जे में लेना था, सरकारी हॉस्पिटल जाकर उनकी जाँच होनी थी। खैर, ये सब चीज़ें अपनी जगह, ये काम हुआ लेकिन लेट हुआ, ये काम हो गया, जावेद जी को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। इसमें LIU के जो उप निरीक्षक हैं प्रदीप नेगी, जो यहाँ प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ASDM गोपाल सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जावेद जी को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी वहाँ जांच कर ली गई, जांच में वह जो है उनको कोई लक्षण कोरोना के नहीं पाए गए। इसके बाद उन्हें उनके घर पर उनके सुपुर्दगी में दे दिया गया है, वह अपने घर पर हैं। अब वह यह जिम्मेदारी वहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य ने, वहाँ के जो उनके परिवार मोहल्ले के लोग हैं, यह जिम्मेदारी ली है कि वह घर से बाहर 14 दिन तक नहीं निकलेंगे। एक घटना यह हुई है। दूसरा क्या हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग से अब नए निर्देश जारी हो गए हैं, यह आपकी जानकारी के लिए भी बता दे रहा हूँ कि अब जो दूसरे राज्य से यहाँ आएगा किसी भी तरह, या आ चुका है, अब तो वैसे तो बैन ही हो गया है, अगर कोई दूसरे राज्य से जो आ चुके हैं कुछ समय अवधि पूर्व, वह घर से 14 दिन तक बाहर नहीं निकलेंगे। उनके घर पर जो है इस बाबत स्वास्थ्य विभाग की टीम से पर्चे चस्पा किए जा रहे हैं। उनकी जो एक सूची है वह प्रशासन के पास है। उस सूची के अनुसार आज एक हंगामा भी हुआ शेखपुरी मोहल्ले में, हंगामा काफ़ी भयंकर हुआ, इसका वीडियो भी शायद आप हमारे इसमें आगे देखेंगे। और हंगामा ये हुआ कि जो है अय्याज पुत्र अतीउल रहमान और उनकी पुत्री नियाज दोनों पढ़े लिखे ही हुआ थे, इसके बावजूद वह इस बात पर बहस करने लगे स्वास्थ्य विभाग की टीम से, LIU की टीम से, कि हम ये 14 दिन का ये स्वीकार नहीं करते, हम तो बाहर अपने मोहल्ले में घूमेंगे जहाँ जाना होगा। तो इस पर सख्ती करनी पड़ी पुलिस को, गंगनहर कोतवाली पुलिस वहाँ आई, फिर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने सख्ती से उनके घर पर वह ऑर्डर चस्पा किया और बिल्कुल उन्हें कड़ाई से कर दिया कि आप बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले। आज का जो हंगामा हुआ है उस हंगामे को लेकर इन लोगों के खिलाफ और हंगामा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब पढ़े लिखे लोग ही ऐसी गलती करेंगे तो अनपढ़ों का क्या होगा, अब ये मुकदमा शाम तक दर्ज हो जाएगा। तीसरी एक बात हो रही है, गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। वह सफलता क्या प्राप्त की है, इसमें कोतवाल राजेश शाह जी हैं, उनका इंटरव्यू आप वीडियो के क्लिप्स में देखेंगे। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर 20 पेटी देशी शराब की बरामद की है। यह शराब कोरोना अवधि में बेची जा रही थी, हालांकि यह बिल्कुल पूरी तरह वैध है, कोई चाहे शराब की पाबंदी हो या ना हो। वैसे कुछ लोग शराब के ठेके खोलने की मांग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, भाजपा के नेता संजय मित्तल जी, वो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को दो मांगे उन्होंने भेजी थी चिट्ठी लिखकर, कि चिट्ठी नहीं व्हाट्सएप के जरिए, मुझे भी उनका व्हाट्सएप आया था कि यह मेरी मांग आप किसी तरह पहुँचा दें कि शराब के ठेके नियमित अवधि के तहत खुलें और पान की दुकानें खुलें, उन्हें पान का शौक ज़्यादा होगा मित्तल जी को। खैर, गंगनहर कोतवाली पुलिस ने यह उपलब्धि प्राप्त की है, 20 पेटी जो शराब थी एक घर में रखी थी, उसके मकान मालिक वहाँ से फरार हो गए हैं। यह कार्रवाइयाँ अब तक हुई हैं। एक कार्रवाई हो रही है, पुलिस बहुत सख्त हो गई है, पुलिस ने जो है चौपहिया वाहन, अब हम भी आपको बता रहे हैं कि चौपहिया वाहन सड़क पर लेकर ना निकलें। चौपहिया वाहन केवल वह अलाउ हैं जिनके पास हैं, जिनके पास जारी कर दिए गए प्रशासन द्वारा, और वह भी खाना बांटने के काम में लगे हुए हैं, ऐसे ही जो है वाहन अलाउ है, अन्यथा कोई वाहन अलाउ नहीं है, यह आप ध्यान रखें। यह अभी तक की गतिविधियाँ हुई, आगे की और जो गतिविधियाँ होगी शाम की न्यूज़ में आप मुझसे जान पाएंगे। अभी फिलहाल मैं विदा लेता हूँ आपसे, आपका संदीप तोमर, सलाम नमस्ते।
नमस्कार देवीजनों, मैं नितिन कुमार रुड़की हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता संदीप तोमर ने भी कल इस बात का जिक्र किया था। इसी बात को लेकर आज हम राजेश साजी से बात करते हैं, निरीक्षक जी से, कि उनका क्या मानना है कि अब पुलिस ने किस तरह कमर कसी है और जो ये दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन सड़कों पर ज़्यादा दिख रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और भी जानेंगे सर। ये जो उच्चाधिकारियों के निर्देश थे और शासनादेश के अनुरूप जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके या कोई सीनियर सिटीजन है या किसी की डेथ होती है या कोई अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़ करके जो भी मूवमेंट सुबह का होगा आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए केवल दो पहिए में होगा। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कई लोग बहाने से या कोई झूठ बोल करके चार पहियों में जा रहे हैं। तो आज पुलिस द्वारा सुबह इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 वाहनों को सीज किया गया है, चार पहिया वाहनों को, जो रोज़मर्रा के कामों में चार पहिए वाहन से जा रहे थे। रुड़की हब के माध्यम से रुड़की वासियों से अपील की जा रही है कि कृपया इस प्रकरण की गंभीरता को समझें जिसमें पूरा देश इन्वॉल्व हुआ है आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए। कृपा करके कम से कम बाहर निकलें, अति आवश्यक हो तभी बाहर निकलें और दो पहियों में ही सुबह के आवश्यक सामान लेने के लिए जाएंगे। इस बारे में सभी दुकानदारों को भी आज निर्देशित किया गया है कि जो अपनी दुकान के बाहर ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज इसी क्रम में 3 दुकानदारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं 188 IPC के और उनको बाद में मुचलके पर छोड़ा गया है। देखिए, राजेश साजी ने बताया कि लोग अभी नहीं मान रहे हैं, पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी और कर भी रही है पुलिस सख्ती। वरिष्ठ संवाददाता संदीप तोमर ने भी कल इस बात का जोरों से जिक्र किया था कि लोग मान नहीं रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई घूमने ही निकल जाता है और शराब का कुछ मामला हुआ है उससे, ये भी जानेंगे कि क्या मामला है सर। पुलिस द्वारा आज चंद्रपुरी से एक बंद मकान में सूचना के आधार पर 20 पेटी देसी शराब बरामद की हैं। चूंकि जो मेन अभियुक्त था वो अभी कब्जे में नहीं आया है, मकान मालिक कौन था और कौन इसके पीछे इन्वॉल्व था उसकी जांच की जा रही है, विवेचना की जा रही है, उसके आधार पर उसको भी गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, कि 20 पेटी शराब भी बरामद की जा रही है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, पूरा देश संकट में है। इस संकट की घड़ी में सबको साथ देना चाहिए, सबको घर रहना चाहिए, चैन से जीना है तो घर रहें। संदीप तोमर जी भी कल कहा था इस बात को। नितिन कुमार रुड़की हब से। कोई भी रोड पर नहीं निकलेगा, ये नोट कर लें सभी। सभी को बार बार बताया जा रहा है कि फोर व्हीलर लेकर के कोई भी रोड पर नहीं आएगा, कोई भी आदमी फोर व्हीलर लेकर के रोड पर नहीं निकलेगा, ये सभी नोट कर लें। बार बार इस चीज को बताया जा रहा है और ये दुकानदार भी नोट कर लें जिन्होंने अपने आगे खुले की लाइन नहीं बनाई है, तो दुकानदार को ही जेल भेजा जा रहा है, ये नोट कर लें। ये जिम्मेदारी दुकानदार की भी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं है, ये सभी नोट कर लें, चाहे ठेली वाला हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो या किराना वाला हो, ये सभी अपने आगे चुने की लाइन बनाएंगे और अगर जिसके नहीं मिलेगी या जिसकी दुकान में अंदर भी 3-4 बड़े मिलेंगे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। ये फिर बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। संदीप भाई का फोन है, जो आप लोगों को फिर बार बार कई बार बता दिया गया उसके बावजूद भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये नोट कर लें सभी, कोई भी फोर व्हीलर वाला नहीं निकलेगा, कोई भी ठेली वाला सब्जी वाला, ये ठेली वालों का परमिशन सड़क पर खड़े होने की नहीं है, ये गलियों में जाएंगे अपना, ये जितने भी ठेली वाले हैं इसे लगवा लो, इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत? ठीक है, ये प्रिकॉशन के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। आप रुकी रहेंगे? नहीं भाई चाची, ये मैं समझ रुकी है ना, आप नहीं हमारा भतीजा क्यों, ये डॉक्टर साहब आए थे पहले, पता अभी तो आए थे सर, ये ऐसा बोल रहे हैं ना कि हम इंटरनेशनल से तो आए नहीं है। बताइए मुझे होम क्वारंटाइन किनको होता है? ठीक है, किनको होता है ये तो बताइए मुझे, टेस्ट करने की कंडीशन होता किसको? आप क्या हैं, MBBS हैं? अगर हमारे पास MBBS हैं, आप मेरी बात सुनिए, अगर हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है आप ये कैसे लगा सकते हैं हमारे में? ठीक है, आप बताइए मुझे कंडीशन, बताइए आप प्लीज। ठीक, नाम पता नोट कर दे रहे हैं,
नहीं लगाना ना आपको? मैडम ऐसा हुआ है ना, अब जो इंटर स्टेट का जो गाइडलाइन आया है वो कह रहे हैं जो अब दूसरे स्टेट से भी हम उत्तराखंड में आ रहे हैं ना उनके यहाँ भी लगेगा। कब से ये इन्होंने अभी से इम्प्लीमेंट किया? आप 29 को आए हो ना, तो 29 से इम्प्लीमेंट तो ही आ रहा है। हम आज आपके पास आ रहे हैं कंट्रोल रूम में, हमारे पास रात में इन्फॉर्मेशन आई थी तो हम मॉर्निंग आपके घर आ गए। तो मैम आपको लगवाना पड़ेगा क्योंकि इंटर स्टेट इसका क्या सिम्टम है, क्या कौन से बस 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 अब नहीं लगाना ना। अरे छोड़ो ना, ठीक क्यों करवा रहे हो? नहीं लगाना ना, आप बता तो दीजिए। बता दूं क्या? आप मैंने पूछा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो बता दीजिए। नहीं लगाना ना आपको? मैंने ये नहीं कहा।